गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं एक ऑप्टोमेटिस्ट हूँ। आज एक मैं आम आदमी के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, सफ़ेद मोतियाबिंद से रिलेटेड, जिसे हम आम भाषा में कैटरेक्ट कहते हैं, सफ़ेद मोतिया। पहली बात तो कई लोगों में यही कन्फ्यूजन होता है कि सफ़ेद मोतिया होतिया क्या है, कि सफ़ेद मोतिया होता क्या है। मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँ, ये आँख का स्ट्रक्चर है, ये पूरा एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है। हमारे आँख के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये लेंस होता है जो कुदरत ने हमें दिया होता है। तो कई बार ये समय के साथ, समय से कहूँगा कि उम्र के आखिरी पड़ाव में, मतलब 60 साल के आसपास, ये लेंस सफ़ेद हो जाता है, लेंस सफ़ेद हो जाता है। तो जो लेंस सफ़ेद हो जाता है तो हम इसे सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। दूसरे कुछ लोग ये कन्फ्यूज होते हैं कि काला मोतिया सफ़ेद मोतिया एक होता है, नहीं, काला मोतिया बिल्कुल अलग चीज़ है, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है, सफ़ेद मोतिया एक अलग चीज़ है। सफ़ेद मोतिया हो जाए एक बार फिर भी ठीक है, लेकिन काला मोतिया आंखों के लिए कभी अच्छा नहीं होता। सफ़ेद मोतिया में अमूमन तय आदमी को सामने का धुंधलापन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, एक साथ नहीं कम होता, इसमें धीरे धीरे धुंधलापन कम होता है। लेकिन जो काला मोतिया होता है उसमें साइडों से नज़र धीरे धीरे कम होती है, और फिर एकदम से बिल्कुल ज़्यादा हो गया तो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये पीछे की जो नस दिखा रहे हैं ये वाली, ठीक है, जिसे हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, इसके पहले एक ऑप्टिक डिस्क रेशियो होता है, एक इसकी कपिंग हो जाती है, मतलब पीले पड़ जाता है। तो ये नहीं कि भैया कि ये पीला पड़ गया तो काला मोतिया गया, नहीं, काला मोतिया के टेस्ट के भी दो तीन पैमाने, आँख का दाब कितना है, प्रेशर कितना है, उसके बाद विजुअल फील्ड कैसा है। तो मोस्टली काला मोतिया एक तरह से दाब की वजह से होता है, जब आँख का नॉर्मल प्रेशर 12 से 20 होता है, इधर 20 से ऊपर चला गया तो वो काला मोतिया के सस्पेक्ट में आ जाता है। फिर उसका असर उस दाब की वजह से पीली नस पे कितना पड़ा है, नस पे कितना पड़ा, कितना पीलापन आया, उसके बाद विजुअल फील्ड में कितना डिफेक्ट आया, तो वो सब काला मोतिया है। तो सफ़ेद मोतिया अलग चीज़ है, काला मोतिया अलग चीज़ है। अच्छा, ये जो काला सफ़ेद मोतिया है हमारा, ये मोस्टली उम्र के हिसाब से 60 के आसपास में होता है, लेकिन जो लोग थोड़े दवाएँ ले रहे हैं, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, या और किसी बीमारी के पहले स्टेरॉइड की कोई दवाई लेते हैं, उनको कई बार जल्दी भी डेवलप हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। कुछ लोग बड़े कन्फ्यूज होते हैं सफ़ेद मोतिया हो गया, उसमें कोई डरने की बात नहीं। आजकल सब जगह, पूरे हिंदुस्तान में कहूँगा मैं तो, कि पूरे हिंदुस्तान में सब जगह मोस्टली आजकल सफ़ेद मोतिया की सर्जरी अच्छी ही होती है, कि प्राइवेट में जाओ, चाहे सरकारी में जाओ, या चैरिटेबल संस्थानों में जाओ, सब जगह अच्छी होती है। जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो अंधता का कारण है वो है सफ़ेद मोतिया। गाँव में लोग बहुत ही, मतलब, जागरूक नहीं है, ना बराबर जागरूक है। शहरों में लोग बहुत ज़्यादा जागरूक है, वो अपना एनुअल चेकअप 6 महीने में, साल भर में कराते रहते हैं, जो थोड़ा भी मोतिया शुरू होता है वो लोग टाइम पे ऑपरेशन करा लेते हैं। लेकिन गांव में तो ये हाल है कि जब तक सफ़ेद मोतिया इतना ज़्यादा ना पक जाए कि उसको खुद की अपनी उंगली दिखने बंद हो जाए, तब जाके वो सोचते कराना है ऑपरेशन। कई बार तो वो इतना ज़्यादा पक जाता है कि सफ़ेद मोतिया से काला मोतिया में कन्वर्ट हो जाता है, आँख की रोशनी चली जाती है। तो ये कि सफ़ेद मोतिया का टाइम पे ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें लोग सोचते हैं कच्चे पे कराएँ, पक्के पे कराएँ, कैसे कराएँ। तो कच्चा मोतिया पे भी ऑपरेशन कराना कोई गलत नहीं है। जो भी आप डॉक्टर जिसको दिखा रहे हो, आपको सजेशन देगा कि जब अभी मोतिया कच्चा है तो आप ऑपरेशन करा भी सकते हैं, और चाहो तो कुछ दिन के लिए रख सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी की भाषा में मैं बताता हूँ, यदि आपको लग रहा है कि मेरे मोतिया भी कच्चा है, मेरा कुछ दिन अभी कराने का मन नहीं है, तो आपको देखो कि मेरे चश्मे से नज़र कितनी कर। यदि आप चश्मे से ऑलमोस्ट आँखें की एक दो लाइन छोड़ के सारी पढ़ लेते हो, समझ लो आप अभी आप 6 महीने साल पर टाल सकते हो उसको, ऑपरेशन को। लेकिन यदि मोतिया पक गए फिर आप टाल दो, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, उसको आप नहीं टालना चाहिए, आपको टाइम पे ऑपरेशन कराना होता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं, आज की आज के टाइम में बहुत सिंपल सा ऑपरेशन होता है, कोई डरने की कोई बात नहीं। ज़्यादा पका लोगे तो आपको बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है, तो इसलिए टाइम पे ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरत है सफ़ेद मोतिया की। ये हो सकता है कई बार हमारे दिमाग में रहता है किस डॉक्टर से जाके कराएं, कि वहाँ कराएं, वहाँ कराएं, वहाँ कराएं। देखो आज के टाइम में हर प्रकार की सुविधा है, जो गरीब है उसके लिए सरकारी अस्पताल भी है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए जो लोग अपना खुद निजी आँखों का अस्पताल चलाते हैं वो सस्ते में भी करते हैं, 8-10 हज़ार में भी ऑपरेशन करते हैं। जो बड़े अस्पताल हैं वो 45-50 हज़ार तक भी करते हैं ऑपरेशन, सब टाइप के, फ्री से लेके लाख रुपए तक का ऑपरेशन आज के टाइम में मार्केट में। लेकिन हमें अपने बजट का हिसाब भी देखना है। दूसरी चीज़, हमें ये भी आश्वस्त होना है कि जहाँ जो डॉक्टर हमारा करने वाला है ऑपरेशन, उससे जो एक दो मरीज जिसने कराए हैं, हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उन मरीजों से, कि जो आपने ऑपरेशन कराया आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ऑपरेशन टाइम पे कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था सफ़ेद मोतिया के बारे में।